लिफ्ट योजना का किया शिलान्यास। विकास नगर विधायक नन्ना सिंह चौहान ने बाड़वाला वर्षों पुरानी मांग यमुना नदी से बाड़वाला लिफ्टिंग योजना का शिलान्यास किया। लगभग 4,17,00,000 से बनने वाली इस योजना से अब बाड़वाला के ग्रामीणों को सिंचाई पर्याप्त पानी मिल पाएगा। इससे पहले बाड़वाला के ग्रामीण सिंचाई के लिए काफी परेशान रहते थे। इस योजना के बनने पर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब अपनी कृषि के जमीन के लिए सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिलेगा। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि बाड़वाला की पड़ोसी ग्राम पंचायत डुमेट में भी बहुत जल्द लिफ्टिंग योजना से जोड़ा जाएगा। भाजपा सरकार का ये कदम प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने को कहा है। इस योजना के पूरे होने के बाद निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होगी। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखकर सियासी दल और नेता लगातार भीड़ बुला रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी रहती है। पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए एक नहीं पैरेलली मैंने 2 ट्यूबवेल का बोरिंग कराया, और इसलिए 2 का बोरिंग कराया, ओवरहेड टैंक तो एक है लेकिन बोरिंग 2 का कराया, क्योंकि एक व्यवहारिक कठिनाई आती रहती है, कई बार ट्यूबवेल का मोटर फूक जाती है, तो एक यदि किसी वजह से खराब हो जाता है तो स्टैंड बाई में दूसरा वो चालू हो जाएगा। तो 2 ट्यूबवेल एक साथ मैंने यहाँ पे बोरिंग कराए, ये भी अपने आप में पहला ही उदाहरण है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर किसी ज़माने में, यूपी के ज़माने में, मैंने इस क्षेत्र की सिंचाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए चिलियो लिफ्ट योजना मंजूर कराई थी। इसे यमुना कैनाल से वो पानी लिफ्ट होता है, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी था, और विशेष रूप से यहाँ जो बाड़वाला जो टेल एंड पर है, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती थी, ये समझ लीजिए कि नहीं पहुँचता था। यदि भी वो भी मैंने ही कराया था उस समय, मैंने इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है, मैं उसका बहुत आभार प्रकट करूँगा कि मैंने एक साधारण से कार्यक्रम में उसको कहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे एक सिंचाई की पंपिंग स्कीम बनानी है, और उसको तुरंत मंजूरी मिली, और आज ये इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हो रहा है, और ये कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है, ये निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर ये योजना बनकर के भी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सौगात है, यहाँ से यहाँ का जो कृषक है, बागवान है, उनकी आमदनी में भी बहुत इजाफा होगा और बहुत सुविधा उनको मिलेगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और आने वाले समय में मैं जो पड़ोस में अच्छा होते देख करके, एक मानवीय स्वभाव होता है कि पड़ोसी भी कहने लगते हैं जी अब हमें भी कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पड़ोस में डुमैत के लोगों ने भी कहा, साहब अब बाड़वाले की आपने करी दी, अब हमारे लिए भी एक अलग से सिंचाई पंपिंग स्कीम कर दीजिए। तो वो भी सेंक्शन होने के कगार पर है, उसकी भी TAC और EFC वगैरह सब कुछ हो गया है, तो वो भी उसका भी कभी भी शासनादेश निर्गत हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि के दृष्टि से, बागवानी के दृष्टि से, बागवानी के दृष्टि से तो बाड़वाला क्षेत्र उसका एक लीची आम के बागवानी के दृष्टि से इसका एक नाम है पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में। तो ये मुझे बहुत खुशी है कि हम इन दोनों तीनों मांगों को बहुत प्रभावी तरीके से पूरा कर पाए हैं, और इस प्रकार से जो वायदा मैंने यहाँ के लोगों से किया था उसको हम पूरा करने में सफल हो पाए।